बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में काफ़ी बार लोगों को लगता है कि ये कोई नशीली पदार्थ लेने से हो जाती है, बिल्कुल जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाइपोलर डिसऑर्डर एक अनुवांशिक बीमारी है। ये इसमें पर्यावरण का भी बहुत बड़ा रोल प्ले है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंसान के पेरेंट्स में या फैमिली में कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उनको चांसेस है कि उन्हें वो बीमारी हो सकती है, लेकिन अगर वो अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में अगर उनकी परवरिश होती है तो वो उससे बच भी सकते हैं। और जबकि हम नशीली पदार्थ के बारे में बात करें तो नशीली पदार्थ लेने से अगर बाइपोलर डिसऑर्डर के सिम्टम्स बढ़ते हैं, बस इतना ही रिलेशन है, ऐसा नहीं है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर बन जाते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लोग अपनी फैमिली या कोई भी जॉब अच्छे से कंटिन्यू नहीं कर सकते, बहुत बड़ी गलतफहमी है। जबकि अगर कोई इंसान इस बीमारी से गुजर रहा है लेकिन अगर वो प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है साइकेट्रिस्ट से लेके और वो अपने आप पे ध्यान देता है, फैमिली अगर गुड सपोर्ट है, तो वो अपनी लाइफ कोई भी नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर के पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स को बहुत बार ऐसे लगता है कि अगर वो ठीक है, पेशेंट्स ठीक है, तो वो दवाई बंद कर सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो अच्छा और ठीक महसूस भी कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, तो भी रेगुलर चेकअप के लिए जाना चाहिए।